बीड़ के दिनरोड में पानी की आपूर्ति करने वाले कुओं के पास कुओं की खुदाई करने के कारण ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय में धरने पर बैठ गए। इस वक्त ग्रामीणों द्वारा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। दिनरोड के गुस्साए ग्रामीण बीड़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में धरने पर बैठ गए। इसका कारण गाँव में पानी की आपूर्ति करने वाले कुओं के पास किए जा रहे कुओं की खुदाई है। सरपंच के खिलाफ अपराध को वापस लिया जाना चाहिए, इसलिए घटना का विरोध करने के लिए जहां ग्रामीण सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय गए, वहीं विधायक प्रकाश सोलंकी ने खुद पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है। इसके चलते गांव में पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। इस बीच सरपंच अजय कुमतवार सहित परिवार के 3 अन्य सदस्यों पर मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई एकतरफा होने से ग्रामीणों के साथ विधायक भी आक्रामक हो गए, इसलिए ग्रामीणों सहित विधायकों ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कायद्याचा दुरुपयोग 100% पोलीस यंत्रणेने केलेला आहे आणि ही गंभीर बाब SP साहेबांच्या निदर्शनात आणण्यासाठीच आम्ही इथं आलेलो आहे। निश्चितपणानं काही ठिकाणी सगळ्याच ठिकाणी असं मी म्हणणार नाही, पण पर्टिक्युलरली दिनरोडच्या बाबतीत वारंवार तिथल्या अधिकाऱ्याबद्दल माझ्याकडे पण तक्रारी येतात। आडमाप पैशाची मागणी केली जाते आणि लोकांना लुटण्याचं काम त्या अधिकाऱ्याकडून त्या ठिकाणी झालेलं आहे। वायर तोडायला येते, डिपी बसू द्या ना, आणि ते जिथं तिथं उभं आहे ते सरपंच, मग त्याच्यामुळं लोकायला वाटायलं की हे काम करायला, त्यानं काम करून ये, पुन्हा पुढच्या बी वेळेस येईन निवडून ते असं, त्याच्यामुळं ते त्याला मागं घ्यायला येतं, मारायला येतं। हां, पोलीस स्टेशनला चौघा बापल्याकानं काय गुन्हा केला आहे का, त्याला चौघा बापल्याकाला अटक केली।